प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटाए जाने को लेकर मंडी जिला मुख्यालय पर एबीवीपी मंडी इकाई के द्वारा विजय रैली का आयोजन किया गया। वही मंडी जिला मुख्यालय पर सदर भाजपा मंडल के द्वारा सदर मंडलाध्यक्ष मनीष कपूर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों ने मंडी के शेरी मंच पर पटाखे चलाकर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। लोग पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं मंडी जिला मुख्यालय पर सदर भाजपा मंडल के द्वारा सदर मंडलाध्यक्ष मनीष कपूर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने मंडी के शेरी मंच पर पटाखे आतिशबाजी जलाकर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल द्वारा मंडी शहर में जश्न मनाया गया, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ऐतिहासिक है, तो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता शेरी मंच में इकट्ठे हुए और लड्डू बांटे गए और पटाखे चलाए, क्योंकि ये दिन इसीलिए ऐतिहासिक था क्योंकि कई वर्षों से इस तारीख का, इस दिन का इंतजार सभी को था। आज सामान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सामान्य गृह मंत्री भाई अमित शाह जी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया कि जो धारा 370 और 35A को जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया, काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर में पूरे देश में ये डिमांड थी कि इस धारा को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इस धारा को हटाने से पूरे जो देश है वो वहाँ की नागरिकता हासिल कर पाएगा और वहाँ पे अपना अमन से रह पाएगा। तो मैं आज प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में एक गौरवमय दिन है जब 70 सालों का एक कलंक धारा 370 के रूप में हमारे देश के माथे पर था। आज वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हटाया गया। इस खुशी के अवसर पर आम जनता के साथ हम इसे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज का दिन जहाँ हमारे लिए गौरव बढ़ाने का दिन है, देश की संप्रभुता को और ज़्यादा मजबूत करने का दिन है, इसके लिए हम माननीय मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार जताते हैं और देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय श्री। वहीं मंडी जिला मुख्यालय पर एबीवीपी मंडी इकाई के द्वारा विजय रैली का आयोजन किया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रैली के दौरान भारी उत्साह देखने को मिला। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बल्लभ महाविद्यालय से लेकर मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच तक विजय रैली निकाली। मोनिका राणा, प्रदेश कार्यकारी सदस्य। जैसा कि प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, इससे इस फैसले से पूरे देश भर में खुशी का माहौल छाया है। विद्यार्थी परिषद की जो है 70 सालों से विद्यार्थी परिषद मांग कर रही थी कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर से हटाई जाए, तो प्रदेश सरकार ने कल विद्यार्थी परिषद की ये मांग पूरी की है, पूरे देश भर के लोगों की ये मांग पूरी की है, जिससे आज लोगों में इतना हर्षोल्लास है। इसी के अवसर पर आज जो है परिषद मंडी इकाई के कार्यकर्ताओं ने एक विजय रैली का आयोजन किया था। हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे पूरा प्रदेश भर उनके साथ है, उनका साथ होगा। चेतन गुलेरिया, आज पूरे देश भर में जिस तरह से जो आर्टिकल 370 था, जो केंद्र सरकार ने जिस तरह का एक ऐतिहासिक फैसला कल जो लिया है और पूरे देश में और विद्यार्थी परिषद का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को पिछले 70 सालों से लगातार विद्यार्थी परिषद और पूरा देश इस आंदोलन को लिए हुआ था, इस आंदोलन को कर रहा था। हम केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हैं और आने वाले समय में भी जैसे देश के साथ वाले और देश के लिए जो आंदोलन इस तरह के जो ऐतिहासिक कदम केंद्र सरकार उठाएगी तो विद्यार्थी परिषद हमेशा उनका स्वागत करेगी और उनके साथ खड़ी रहेगी। और ये जो सब पूरे देशवासियों के लिए इससे 370 का जो इससे जो बुरे अपवंद थे, जो इसमें जो है जो इसी धारा थी जो देश के खिलाफ थी,
उन सभी धाराओं को हटाने के बाद जो आज 370 का केवल एक उपवन बचा है जो जो भारत साथ इसको आत्मसात करने की कोशिश करता है। एक बार पुनः सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और केंद्र सरकार का हार्दिक आभार।